अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही को आज मेरठ क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सचिन को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए सचिन को जेल भेज दिया है। सचिन सिरोही की यह गिरफ्तारी करीब एक साल पूर्व परीक्षितगढ़ में हुए दीपक हत्याकांड के विरोध में जाम लगाने के मामले में की गई है। कोर्ट के बाहर सचिन ने भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे लगाए। आज दोपहर ही सचिन सिरोही के नेतृत्व में AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का कमिश्नरी पर पुतला फूंका गया था। बीते दिवस चौधरी चरण सिंह सभागार में मेरठ महापौर व पार्षद शपथ ग्रहण समारोह में हुए हंगामे के विरोध में यह पुतला फूंका गया था। यहां वंदे मातरम को लेकर भाजपा ने ओबीसी की पार्टी के पार्षदों को पीट दिया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने भाजपा पार्षद उत्तम सैनी राजीव काले को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में भाजपा युक्त दबाव के बाद दोनों को थाने से जमानत दे दी गई थी। गिरफ्तारी के बाद सचिन सिरोही ने कहा कि जो भी हिंदुओं की आवाज उठा रहा है मेरठ पुलिस उसे जेल भेजने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसे संज्ञान में लेना चाहिए। गंभीर बात यह भी रही कि इस गिरफ्तारी के बाद भाजपा या किसी हिंदू संगठन का पदाधिकारी सचिन की मदद के लिए आगे नहीं आया। देखिए क्या कहा सचिन सिरोही ने। कुछ नहीं, वो आज ओवैसी का जो है हमने पुतला फूंका था और वो जो है मेरठ के पुलिस प्रशासन को हजम नहीं हुआ पुतला फूंकना, इसलिए जो है अरेस्टिंग करके किसी और मामले में जो है। सचिन जी कौन से मामले में लेके आए आपको ये खजूरी वाले में जो हिंदू का जो हत्या हुई थी त्यागी की, त्यागी का जो गर्दन कटी थी उस मामले में जो सड़क जाम करा था उस मुकदमे में लेके जा रहा हूँ। दीपक त्यागी हत्याकांड। सचिन जी क्या कहना चाहते हैं आप, पूरे बीजेपी आपके साथ है? मेरठ पुलिस की दबंगई है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वो संज्ञान ले पुलिस अधिकारियों का, टोटल यहाँ हर तरीके से हिंदू समाज की आवाज उठाने वाले व्यक्ति को दबाने का पूरा प्रयास मेरठ की पुलिस प्रशासन कर रहा है। लोग परेशान है, आपकी गिरफ्तारी हो गई है। देखिए लोग परेशान है, मैं तो कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अगर आप यहाँ मेरठ में रखेंगे तो यही हाल होगा। और आज हिंदू समाज के व्यक्ति को हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए अगर यहाँ लाया जा रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। और मैं चाहता हूँ जेल चला जाऊँ, हिंदू समाज के लिए हर वक्त हर पल हिंदू समाज की सेवा करूंगा। इसी तरीके से मुकदमे कितने लगा लो और जेल भेज दो, जेल ही जाऊंगा। आज कोर्ट के बाहर सचिन सिरोही ने ये नारे लगाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए firstbite.tv और हाँ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन दबाना भी न भूलें। नमस्कार।